الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الخاتم لما صدق الفاتح لمن خلق المؤمن الحق ابي القاسم محمد الصلاة والسلام على الجليل الطاهرين المعصومين الذين اغفر الله وطهرهم تطهيرا अल्लाह रसूल तुम्हें हयात की तरफ बुलाए
तो तुम हयात के लिए तैयार हो जाओ और आमादा हो जाओ और हरकत करो और उस हयात को पालो जिस हयात की तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा जो रहनुमा हयात की तरफ ले रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है वो कौन सी हयात है जिस हयात की तरफ बुलाया जा रहा है? क्या हम हयात नहीं रखते कि हमें हयात की तरफ बुलाया जा रहा? तो मैं मुसलसल अर्ज कर रहा हूं कि हयात एक तरह की नहीं है। हयात में शिद्दत और ज़ौक पाया जाता है, इसी तरह से जैसे वजूद में शिद्दत और ज़ौक पाया जाता है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये वैसे रोजाना वहां होती चली जाएंगी। असल मसला ये है कि जो लोग मोमिन है, अगर काफिरों से कहा जाता कि तुम हयात हासिल करो तो समझना तो फिर भी आसान था, लेकिन अब ये समझना बहुत मुश्किल है कि जो मोमिन है उनसे कहा जा रहा है कि आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, ईमान वालों से कहा जा रहा है कि तुम हयात की तरफ आओ, काफिरों से कहा जाता तो समझ में आता। अब क्योंकि मसला ये है कि अगर मुर्दों से कहा जाता कि जिंदा हो जाओ और जिंदगी की तरफ आओ तो समझना आसान है कि मुर्दों से कहा जा रहा है कि हयात की तरफ आओ, तो मुर्दों के लिए हयात का तसव्वुर आसान है, लेकिन जो हयात पा चुके हैं उनके लिए हयात का तसव्वुर मुश्किल है। हयात वालों के लिए हयात का तसव्वुर मुश्किल है। आप कहते हैं मुझे तो हयात मिल चुकी है, आप कौन सी हयात की तरफ आप बुला रहे हैं? अब मुझे किसी जिंदगी की अहमियत नहीं है, मैं खुद अपने आप को बाहयात समझता हूँ। जिसको हयात मिल चुकी है उसको दोबारा क्या मिलेगी? यानी जो अंगूठी मैं पहन चुका हूँ अब इसी अंगूठी को मैं दोबारा पहन सकता हूँ? अब दोबारा पहनने के लिए या तो उतारना पड़ेगा फिर पहनना पड़ेगा, जो पहन चुके हैं उसे कैसे पहना जा सकता है? आप जो लिबास पहन चुके हैं उसी लिबास को दोबारा कैसे पहन सकते हैं? या तो फिर दूसरा लिबास पहने। अगर मैं आपसे कहूँ कि लिबास पहनिए तो आप कहेंगे इसके ऊपर पहन लो, तो नहीं इसके ऊपर नहीं जो है वही पहनिए। आप देखिए तो महान बात है, जो पहन चुके हैं उसे दोबारा कैसे पहना जा सकता है? मैं तहसील हासिल का मफहूम पेश कर रहा हूं, वरना ये इस्तलाहात में इंसान उलझ के रह जाएगा। कि असल मफहूम यही है कि जो चीज हमें हमारे पास मौजूद है पहले से हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? ईमान हमारे पास है, अब कैसे हम मोमिन बन सकते हैं? लेकिन कुरान का तो कहना यही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान लाने वालों ईमान ले आओ, ईमान लाने वालों ईमान ले आओ। इसका मतलब यह है कि ईमान में शिद्दत और ज़ौक पाया जाता है। पहले दर्जे का ईमान, दूसरे दर्जे का ईमान, तीसरे दर्जे का ईमान, चौथे दर्जे का ईमान, आठवें दर्जे का ईमान, नवें दर्जे का ईमान, दसवें दर्जे का ईमान, ईमान के दरजात है। और ये दरजात वो पा सकते हैं जिनको आले मोहम्मद की सोहबत मिली हो। सलावात अला मोहम्मद। दरे अहले बैत पर आने वाले ही ईमान के इन दरजात को महसूस कर सकते हैं। जो ईमान की बू नहीं सूंघा है उसको ईमान की लज्जत क्या मालूम है? और जो जो ईमान में दाखिल नहीं हुआ वो ईमान के दर्जात को कैसे समझ सकता है? कि एक दर्जे पर आके रुक जाना नहीं है बल्कि ईमान से तुरंत एक दर्जा है ईमान का, खुलूस के दर्जात। और जैसे जैसे ये दर्जात बढ़ते जाएंगे ईमान के, अमल की कैफियत भी बढ़ती चली जाएगी। एक दर्जे के ईमान का अमल और होगा, दूसरे दर्जे के ईमान का अमल और होगा, आखिरी दर्जे का और कुल ईमान का जो अमल है उसके अमल का जो मियार है वो सबसे अलग है। इसीलिए कहा ज़र्बतु अलीन यौम अल-खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। सलावात पढ़ा हूँ कि अमीरुल मोमिनीन जो कुल ईमान है उनके अमल का दर्जा कितना बड़ा होगा। तो अमल तो सब करते हैं, सारे मोमिन अमल करते हैं, लेकिन हर मोमिन के अमल के मयारात अलग अलग हैं। इसीलिए कहा गया कि आगे बढ़ते जाओ। ईमान आगे बढ़ता है अमल के जरिए से, ये हयात पाता है, एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंचता है। जैसे इल्म वालों की कैफियत है, एक दर्जे
درجے کے علم والوں سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ دوسرے درجے میں آئیں گے، دوسرے درجے والوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ تیسرے درجے میں آئیں گے، یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آ چکے ہیں، جو یونیورسٹی میں آ چکے ہیں، جو اسکول میں داخلہ لے چکے ہیں، جو پہلے درجے میں پڑھ رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اوپر آئیں گے۔ روایت ہے کہ آواز آئے گی اقرا و ارقا، یعنی قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیں گے اور درجات طے کرتے جائیں گے۔ جنت کے درجات قرآن کی آیات کے اعتبار سے بنائے گئے ہیں، جتنی آیتیں ہیں قرآن کی اتنے درجات ہیں جنت کے۔ ہر درجے پہ پہنچنے کے لیے ہر آیت کی تلاوت کرنا ہے اور اس منزل پہ پہنچنا ہے، اس آیت پر عمل کرنا ہے، وہ درجہ حاصل کرنا ہے۔ اقرا و ارقا، پڑھتے جائیے اور درجات طے کرتے جائیے۔ تو علم والوں سے کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کیجیے، حقیقت علم تک آئیے، واقعی جو علم ہے اس واقعی اور سچے علم کی طرف آئیے، اس درجے میں آئیے۔ اسی لیے کہا گیا العلم حیات، علم حیات ہے، علم زندگی ہے، علم حیات ہے۔ تو اب جہل کیا ہے؟ جہل موت ہے، جہل موت ہے، الجہل موت، جہل موت ہے۔ والعلم، علم کیا ہے؟ حیات، علم حیات ہے، علم میں حرکت ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ اس لیے علم جو ہے عقل والوں کے پاس ہوتا ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہوتی اس کے پاس علم نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہا گیا کہ عقل کے مقابلے میں کیا ہے؟ جہل ہے، عقل کے مقابلے میں جہل ہے۔ جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو کہا، عقل سے کہا آ گیا تو عقل آ گیا، جب کہا عقل سے پیچھے جا تو عقل پیچھے گئی، اور جب جہل کو خلق کیا اور جہل سے کہا آگے آ تو جہل آگے آئی، لیکن جب کہا پیچھے جا تو جانے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل آتی ہے تو چلے بھی جاتی ہے، لیکن جب جہل آتا ہے تو آ تو جاتا ہے لیکن جہل جاتا نہیں ہے۔ جہل آتا ہے تو جاتا نہیں ہے، جہل چپک جاتا ہے، جہل رسوا کیے بغیر جاتا نہیں ہے۔ علم سربلندی عطا کرتا ہے اور جہل رسوا کر دیتا ہے، اور جہل چھپانے سے چھپتا نہیں ہے، اور جتنا چھپاتے جائیے اتنا ظاہر ہوتا ہے۔ جہل جو ہے وہ موت ہے، یعنی انسان جو ہے جب تک جہالت میں ہے، تاریکی میں ہے، اندھیرے میں، جیسے رحم ماتر میں ہے، ابھی اس کو پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی وہ جنم نہیں لیا ہے، ابھی اندر ہے، رحم ماتر میں سو رہا ہے، ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ جب تک پیدا نہیں ہوا حیات کا تصور بھی نہیں، حالانکہ حیات مل چکی ہے، زندگی مل چکی ہے، وہ با حیات ہے، لیکن اس سے پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تمہیں ایک نئی حیات دینے والے ہیں، اور اس نئی حیات کو سن کر خوش نہیں ہوتا، اور جب حیات دی جاتی ہے تو رونے لگتا ہے۔ جیسے بچے اسکول جانے کے لیے روتے ہیں، میرے سامنے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ اسکول بھیجنے کا مقصد کیا ہے، وہ اسکول جانے کے لیے روتے ہیں۔ اسی طرح سے بچے حیات کے تصور سے روتے ہیں، جب بچوں کو کہا جاتا ہے، ماں کے شکم میں جب اعلان ہوتا ہے کہ تمہیں نئی حیات دی جانے والی ہے، نئی زندگی دی جانے والی ہے، ایک بڑی حیات کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دیکھیں، مردے تو پیدا نہیں ہوتے، جو مردہ ہوتے ہیں وہ زندہ نہیں ہو سکتے، زندہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے سے زندہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مردہ نہیں تھا، مردہ ہوتا تو پیدا کیسے ہوتا، مردہ ہوتا تو پیدا کیسے ہوتا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ کفر تو موت ہے، موت سے حیات کی طرف کیسے آئے گا؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، جو زندہ ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم ایک بڑی زندگی دینے والے ہیں۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے،
माँ के शिकम में जो जिंदा बच्चे हैं उनसे ये कहा जा रहा है, जिन्हें हयात मिल चुकी है उनसे कहा जा रहा है कि हम तुम्हें नई हयात देने वाले हैं। और जब पैदा होते हैं माँ के शिकम से बाहर आते हैं तो उन्हें एक नई हयात देती है, एक बड़ी जिंदगी, एक नई हयात मिलती है। इस हयात के लिए अल्लाह सुभान व तआला का काम, इससे पहले भी बार बार कह रहा हूँ, 20 साल से कह रहा हूँ ये बात, कि अल्लाह सुभान व तआला का काम सिर्फ अता, अल्लाह को पहचानिए कि अता के जरिए से पहचानिए, उसका काम अता है, फैज है, और वो अपने फैज को रोक भी नहीं सकता। उसने अपने वजूद को ऐसा, उसका वजूद ऐसा है कि उससे रहमत रुक ही नहीं सकती। जैसे सूरज अपनी किरणों को रोकता नहीं है, बादल के जरिए से रुक जाता है, छत रोक देता है सूरज की रोशनी को, हम रोक लेते हैं, ऐनक पहन लेते हैं, लेकिन रोशनी रुकने का नाम नहीं लेती, वो अपना फैज जारी रखती है। इसी तरह से अल्लाह सुभान व तआला की जात बस फैज जारी है, मुसलसल वो अपना फैज, अपनी रहमत। उसे गुस्सा किस बात पे आता है, जब कोई उसकी रहमत को लेने से इनकार कर देता है, तब अल्लाह की गजबनाक होता है, उसकी रहमत गजबनाक होती है। जब बादल गरजने लगती है, जब उन्हें बरसाने का मौका नहीं मिलता, तब गरजने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बरसने के लिए बेताब होती है। रहमत गरजने लगती है कि तुम अपने अपनी खेतियों को हरी भरी क्यों नहीं करते, कि बारिश बरसने का मौका भी नहीं। बारिश कहां बरसे, सहरा में बरसेगी। बारिश तो बहाना ढूंढती है, उसका करम तो बहाना ढूंढता है, उसका फैज तो बहाना ढूंढता है, वो अता करना चाहता है, वो तो मुसलसल अता कर रहा है। अब जो हयात वाले हैं उनसे कहा जा रहा है एक नई हयात के लिए तैयार हो जाओ, एक नई जिंदगी के लिए तैयार। जिन लोगों को जिंदगी मिल चुकी है, जो पैदा हो चुकी है, फिर उनसे कहा जा रहा है एक नई जिंदगी के लिए फिर रफ्ते सफर बांधो, जिंदगी मुसलसल सफर है, जिंदगी मुसलसल हयात का सफर है जो चल रहा है और मुसलसल चलता रहे। एक जिंदगी के बाद और एक जिंदगी, और जिंदगी के बाद और एक जिंदगी, मुसलसल जिंदगी का सफर चलता रहेगा। जब तक इंसान के पास इल्म नहीं आएगा उसे हयात नहीं मिलेगी। अल इल्म हयात, इल्म हयात है, इल्म जिंदगी है। सुकरात की माँ दाइया थी। सुकरात कहता है, देखिए आप लोग पहले आते अगर आ जाए सामने तो बहुत अच्छा होगा, और छोटे बच्चे इस तरफ आ जाए जगह यहाँ से। बच्चों को जन्म देती है, मैं जाहिलों को आलिम बनाता हूं, मेरा काम तर्ज देना है, उसका काम बच्चे जन्म देना है, यानी मैं भी वही कर रहा हूं जो मेरी मां कर रही है, मेरी मां कर रही है, यानी मैं जहल से इल्म की तरफ लोगों को दावत दे रहा हूं, मैं बुला रहा हूं लोगों को जहल से इल्म की तरफ, जिंदगी की तरफ आओ। तुम्हें जो जिंदगी मिली है वो हैवानी जिंदगी है, इंशाल्लाह कल मैं इतनी रोशनी डालूंगा, थोड़े तबकात हयात को भी हम बयान करें, और जिंदगी में और जो आसपास जो हयात हमारे हैं अतराफ में, हम उसको भी अगर समझने की कोशिश करें तो अपनी हयात को समझना आसान होगा, फिर उससे बुलंद हयात का तसव्वुर। लेकिन बहरहाल गुफ्तगू कहीं से भी शुरू की जा सकती है। अब जब बात कल से इस बात पर गुफ्तगू खत्म हुई थी उनके गैर पर, कि इल्म हयात है, इल्म जावेदानी है, इल्म जिंदगी है, और जब इल्म हासिल होता है तब इंसान की आंखें खुलती हैं,
तब इंसान देखने लगता है, तब उसके कान सुनने लगते हैं, तब वो बोलने लगता है, तब उसका जहन काम करने लगता है। कब? जब उसके पास इल्म की रोशनी आती है। जब इल्म नहीं आया तो आंखें देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाती है। जिस तरह से मां के शिकम में रहने वाला बच्चा, उसे आंखें तो मिल जाती हैं लेकिन वो देख नहीं सकता, कान मिल तो जाते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकता, पैर मिल जाते हैं लेकिन चल नहीं सकता, हाथ मिल जाते हैं लेकिन वो काम कर नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि वहां पर महदूदियत है। वहां अगर देखना चाहे, आंख है मगर देखेगा क्या? मंजर नहीं है तो क्या देखेगा? सुनेगा क्या? कान है लेकिन सुनेगा क्या? चुनाचे अब वो बहस अलग है जो मैं पहले कर चुका हूं कि समाज जो है, जो मिलती है मां के शिकम में, तो बाहर की आवाजें उस तक पहुंचती हैं, बहरहाल, लेकिन वो जो असल काम का मसरफ है वो वहां नहीं है। इसलिए कि वहां आवाजें इस कदर कान से टकराती नहीं, लिहाजा मसरफ नहीं है। इसी तरह से इंसान पैदा हो जाने के बाद अगर उसके पास इल्म ना हो तो देखेगा क्या? देखने के लिए मनाजिर कहां है? सोचने के लिए उसके पास मजाल कहां है? सोचने क्या सोचेगा? जिसके पास इल्म नहीं है वो क्या सोचेगा? जिसके पास आंख नहीं है वो देखेगा क्या? और जिसके पास कान नहीं है, जिसके पास कान नहीं है वो सुनेगा क्या? इल्म आने के बाद कान में समात पैदा होती है, उसे आवाजें सुनाई देती है। वो आवाजें जो 1400 बरस पहले कही गई है वो उसे सुनाई देने लगती है। और जब इल्म अपने उरूज पर पहुंचता है, कमाल पर पहुंचता है, तो आने वालों की आवाजें भी सुनाई देती है कि आने वाले क्या बोलेंगे, इस वक्त क्या बोला जा रहा है, ये सारी बातें सुनाई देने। इसीलिए देखिए, इल्म का ताल्लुक जो है वो कमाई से नहीं है कि आप कमाने के लिए इल्म हासिल करें। आप कहें कि मुझे नौकरी नहीं करना है, कमाना नहीं है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो है ताजिरों के बच्चे, दुकानदार जो लोग होते हैं, बनिया बखालों के बच्चे पढ़ते नहीं, कहते कि हमको दुकान संभालना है तो हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो लोगों के जहन में ये बात बिठा दी गई है कि इल्म जो है वो एक दुकान है, सौदे की। इल्म जो है वो एक दुकान है जहां पर इल्म खरीदा और बेचा जाता है। इल्म क्यों हासिल किया जा रहा है? ताकि बेचा जाए, ताकि उससे कमाया जाए। इल्म से कमाया जाए, नहीं, इल्म को एक जिन्स समझा जा रहा है कि इसे खरीदेंगे फिर इसे बेचेंगे। अब ये दस्ती है, इसे रुमाल है, इसे 5 रुपए में खरीदो, 10 रुपए में बेचो। हम इसे जिन्स समझ रहे हैं तो खरीदेंगे बेचेंगे, इस्तेमाल खुद नहीं करेंगे, रहेगा रुमाल हमारे पास, इस्तेमाल में नहीं आएगा। क्यों? जो इस्तेमाल जो दुकानदार है रुमाल वाले, वो रुमाल नहीं इस्तेमाल करते, इत्र वाले इत्र नहीं इस्तेमाल करते, वो कहते हैं कि ये बेचने के लिए रखा गया है, ये इस्तेमाल के लिए नहीं रखा गया है। तो आप देखेंगे, देखिए ये मैं किसी की तरफ मेरा हुए सुखन नहीं होता, ये बात मैं 20 साल से बार बार कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। जो लोग पुराने सुनने वाले हैं वो लोग जानते हैं, स्कूल्स तो अब बन रहे हैं, मदरसे अब खुल रहे हैं, लेकिन मैं ये बात जो है उस वक्त से कह रहा हूँ जब कोई हमारे पास स्कूल वगैरह भी नहीं थे, तब से मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो मदरसे हैं, ये स्कूल है, ये दुकानें हैं, ये दुकानें हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जब से कमर्शियल हो चुकी है तालीम, उस वक्त से तालीम का जनाजा हो चुका है, तालीम का जनाजा हो गया। इसलिए कि ये स्कूल नहीं है बल्कि ये दुकानें हैं इल्म बेचने की, कि जो बेचना चाहता है वो आए, वो उस्ताद, वो टीचर, वो मुअल्लिम जो इल्म बेचना चाहते हैं वो लोग तशरीफ लाएं, तो वो लोग आते हैं अपना इल्म बेचते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हारे पास जेब में पैसे है खरीदने के लिए तो आओ, हम बेचने के लिए बैठे हुए। जबकि होना क्या चाहिए,
आप इल्म देना चाह रहे हैं तो तलब देखिए, न कि जेब में पैसा देखिए। आपके पास उसकी कदर है, आप देना चाहते हैं तो कदरदान ढूंढिए कि इसके दिल में अब इसको मैं पढ़ाऊं तो उस पर असर पड़ेगा। तो टीचर को चाहिए उस तालिबे इल्म को ढूंढे जिसके पास शिद्दते तलब है, जो पढ़ना चाहता है। अब पढ़ना चाहने वाला हो सकता गरीब हो सकता अमीर हो सकता गरीब हो सकता अमीर हो सकता यतीम हो सकता कि जो है खानदान कबीले वाला हो। आने वाला स्टूडेंट, आने वाला बच्चा किसी भी घराने से, किसी भी फॉर्म से आ सकता है और किसी के अंदर भी तलब पैदा हो सकती है। और जो तलब जिसके पास होती है, चाहे तुम उन्हें पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, वो अपनी तलब को हासिल कर ले। लेकिन तुम्हारी शराफत यह है कि तुम मुस्तहकीन को दो, यानी ज़कात देने के लिए इस्तेहकार ढूंढा जाता। अगर तुम्हारे पास इल्म है तो इल्म की ज़कात दो, तुम्हारे पास पैसा है तो पैसे की ज़कात दो, अगर तुम्हारे पास इज्जत है, आबरू है, ये भी एक ताकत है, आबरू इज्जत। जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं, उनके पास होता कुछ नहीं है लेकिन उनकी आबरू इज्जत होती है, कोई उनकी बात को टालता नहीं है। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं लीडर साहब आप एक फोन कर दीजिए, स्कूल में दाखिला हो जाएगा, आप एक फोन कर दीजिए हॉस्पिटल की फीस कम हो जाएगी, आप एक फोन कर दीजिए फला काम हो जाएगा, आप एक फोन कर दीजिए कि हमारे जो है वो गाड़ी का टिकट और फला मसला हल हो जाएगा, या जितने भी मसाइल के। वो कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन जो छोटी सी आबरू इज्जत है उसको मैं दांव पे लगा देता हूँ, देखिए मैं फोन करके देखता हूँ हो गया काम तो आपकी किस्मत। तो देखिए समझ रहे हैं आप, यानी जिसके पास जो कुछ है, हुनर भी एक नेमत है, एक दौलत है, उसे भी आप बांटना। इल्म भी एक दौलत है, इल्म एक दौलत है या नहीं है, इसे आपको तकसीम करना है, किसे तकसीम करना है, इस्तेहकाम करना है, मुस्तहक है, जिसके पास इस्तेहकाम है उसको आपको जकात देना। जो इल्म ही जकात है, जो मुस्तहक है जकात है, जो इल्म हासिल करना चाहता है उसे आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे, वो लेना चाह रहा है लेकिन आप दे नहीं रहे हैं, तो आपका मुआखिजा होगा, आपको कयामत के दिन पकड़ा जाएगा कि हमने ये जो आपको दिया है, ये हमने दिया है, अल्लाह कह रहा है ये हमने दिया है, इनकी दौलत हम देते हैं, कोई भी दौलत हो हम देते हैं। और ये दौलत हम जो देते हैं, कितने लोग ऐसे हैं समझते हैं कि इल्म हासिल करेंगे तो जो है पैसा कमाएंगे, अगर इल्म नहीं हासिल होगा तो फिर पैसा कैसे कमाएंगे। देखिए पैसे से इल्म का कोई ताल्लुक नहीं। कितने ऐसे लोग हैं, कितने दुनिया के बड़े बड़े ताजर हैं, कोई अचार बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, वो जो है बड़े बड़े प्रोफेसर से ज्यादा जो है उनकी कमाई होती है, अचार बेचने वाले ज्यादा कमाते हैं एक प्रिंसिपल से, एक टीचर से। जो इल्म बेच रहे हैं उनको क्या मिल रहा है, जो अचार बेच रहे हैं उनको, इसलिए कि अचार के कदरदान दुनिया में ज्यादा है, इल्म के कदरदान कम है। सलावत पढ़े मोहम्मद, जितना मांगे दे, इसलिए कि पैसे की कोई अर्जिश नहीं है इनके सामने। इनके सामने पैसे की कोई अर्जिश, जो लोग पैसा बचा के बिल्डिंगें बना रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये पैसे के भिखारी अगर मांग रहे हैं तो इनको दे दो, इन भिखारियों, इन मांगने वालों को दे दो, इन्हें नहीं मालूम कि इन बेचने की चीज नहीं है। फिर भी अगर ये लोग नाकदरी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, और तुम्हारे पास पैसा है, ये दिरहमों दीनार, ये डॉलर, ये पाउंड, ये सब दे दो, इसे दे के इल्म हासिल करो, जितना पैसा देना है दे दो, इसलिए कि इल्म के सामने पैसे की कोई अर्जिश नहीं।
पैसा फना होने वाला है, इल्म फना होने वाला है। और जो लोग कहते हैं जब हमें प्रोफेसर बनना नहीं है, नौकरी करना नहीं है, बेचना नहीं है, तो फिर खरीदे क्यों? तो ये खरीदने और बेचने की चीज नहीं है, ये हयात और मौत का मसला है। हयात और मौत का मसला है, यानी जब तक आप इल्म नहीं हासिल करेंगे आप पैदा ही नहीं होंगे। आपको पैदा होना है या नहीं होना है, आपको दोबारा जन्म लेना है इस दुनिया में, नहीं लेना है। अगर आपको दुनिया में जन्म लेने की कीमत अदा करनी पड़े तो कीमत अदा कीजिए, क्योंकि जब तक इल्म नहीं हासिल होगा आपको जिंदगी नहीं मिलेगी, और जब जिंदगी नहीं मिलेगी आप जिंदगी का लुत्फ कैसे ले सकते हैं, जिंदगी का मजा कैसे ले सकते हैं जब तक आप पैदा नहीं होंगे। आपको जो लज्जतें इल्म है वो कैसे हासिल होगी? मैं इससे पहले कई बार कह चुका हूं, अभी दोबारा नहीं दोहराऊं, कि उलमा ने हमेशा यही कहा है कि जो लज्जत हमें मिलती है उसका एहसास दूसरे लोग नहीं कर सकते, ना तख्तो ताज उसको समझ सकता है, ना दौलत उसे समझ सकती है, ना इक्तदार उसे उस लज्जत को दर्द कर सकता है। इब्ने सीना के ताल्लुक से कितने वाकयात हैं कि बार बार इब्ने सीना को बार बार ढूंढा गया है इक्तदार के लिए कि आइए वजारत की कुर्सी खाली है बैठिए, कहा कि मैं कुर्सी इल्म छोड़ने के लिए तैयार हूं, कुर्सी मसलत इल्म छोड़ने के लिए तैयार हूं, इसलिए कि यहां जो मुझे लज्जत मिलती है वो हकीकी लज्जत है, और ये जो इक्तदार की कुर्सी की लज्जत है वो ख्याली है। कहां आया वो ख्याली लज्जत है, हकीकी लज्जत नहीं है, हकीकी लज्जत इल्म की लज्जत है, क्योंकि इल्म हयात है। आप इल्म हासिल करके देखिए कि इल्म में कितना मजा है। आज दुनिया ने जितनी भी तरक्की की है वो सब की सब इल्म की बुनियाद, साइंस की बुनियाद। ये साइंस क्या है? इंकशाफ है, यानी कायनात को परखना, एक एक चीज उठा उठा के देखना, इंकशाफ हकीकत। और इंकशाफ हकीकत के लिए जबानों की जरूरत नहीं है, जबान का जानना इल्म नहीं है। कि बाज लोग ये समझ रहे हैं कि जो अरबी जान रहा है वो लतरानी कर रहा है, जो फारसी जान रहा है वो शीरी जुबानी कर रहा है, जो उर्दू जान रहा है कि वो जो है अपनी चाशनी का इजहार कर रहा है। देखिए ये फख्र मुबाहात की चीज नहीं है, ये इल्म नहीं है। लोग लैंग्वेजेस को इल्म समझ रहे हैं, जबानों को इल्म समझ रहे हैं, जबान का जानना इल्म नहीं है। अंग्रेज अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रेंच है ना, फ्रांस के लोग फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी के लोग जर्मनी में बात करते हैं, कश्मीर के लोग कश्मीरी में बात करते हैं, ईरान के लोग फारसी में बात करते हैं, अफगानिस्तान के लोग पश्तो में बात करते हैं। तो ये इल्म कहां से हुआ? अरब लोग अरबी बोलते हैं, ईरानी लोग फारसी बोलते हैं, ये ईरानियों की जबान है, वो अरबों की जबान है, वो अंग्रेजों की जबान है। अंग्रेजों की जबान इल्म कैसे बन गई? ये अंग्रेजी बोलने वालों को आलिम समझे और जो अंग्रेजी नहीं बोल रहा उसको जाहिल समझे। अंग्रेजी कहां से इल्म बन गई? इसलिए कि उन बदमाशों ने क्या किया कि अरबी किताबों को चुरा कर फारसी किताबों को चुरा कर अपनी जबान में तब्दील किया और उन किताबों में आग लगा दी और सारी किताबों को जो है अपने किताबखानों में महफूज कर लिया। अब ढूंढने से भी हमारे मकतबों में हमारी किताबें नहीं मिली, सारी किताबों को उठा के ले गए और अपनी जबान में उसको तब्दील कर लिया। अब लिहाजा पढ़ना है तो हमारी जबान सीखो तो तुम्हें इल्म मिलेगा। जो नई जदीद तहकीकात है वो तहकीकात हमने जो है वो सबका सब बदल दिया है अपनी जबान में। अब लिहाजा तुम्हें जदीद तहकीक करना है तो हमारी जबान सीखना जरूरी है। और इन्होंने क्या किया कि वो जबान जो जहां जिसमें तहकीकात हुई थी, जिसमें लिखा गया था, उसको जाहिलों की जबान बना दी। तुम उर्दू पढ़ोगे तो जाहिल कहलाओगे,
यहां तक इन्होंने कर दिया था कि हमारे बचपन में लोग कहते थे, बच्चे कहते थे कि मुझे उर्दू नहीं आती, यानी फख्र करते थे कि मैं, हम इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, हमको उर्दू नहीं आती। यही वो तासुब को देखते हुए रहबर इंकलाब ने कहा, जबान से उनको कोई तासुब नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अंग्रेजों को भी समझाने की जरूरत है कि हम अपनी जदीद तहकीकात को फारसी में लिखेंगे ताकि ये लोग मजबूर हो जाए फारसी सीखने। और उस वक्त हम कहेंगे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती। सलावत पढ़े मोहम्मद काफी है, हमें अंग्रेजी नहीं आती, जैसा कि इन्होंने कहा था कि हमें उर्दू नहीं आती, हमें तेलुगु नहीं आती, हमें हिंदी नहीं आती, यानी ये ज़बान ज़बान नहीं है, हमारी ज़बान ज़बान है, वो जाहिलों की ज़बान है, या आलिमों की ज़बान है। तब सबसे बड़ी आलिमाना ज़बान कौन सी है दुनिया की, के जिसमें हजार हजार जिसमें कुरान नाजिल हुआ वो ज़बान कौन सी है? कुरान की ज़बान अरबी ज़बान से भी बुलंद थी। अरबी ज़बान का रूह है कुरान, तो इंशाल्लाह फिर भी उसको कि पुरानी ज़बान अरबी ज़बान से लाफानी ज़बान का नाम है कुरान। उस ज़बान को सीखो जिस ज़बान में असल इल्म है। अब उस इल्म को जाने बगैर अब कितने लोग हैं कि उस ज़बान से वाकिफ न होने की वजह से कुरान पढ़ने वाले भी जहालत का शिकार। क्यों? इसलिए कि उस ज़बान उस किताब को समझ नहीं पा रहे हैं जिस ज़बान में ये किताब नाज़िल हुई। इस वजह से महरूम है और वो कीलो काल वो जाहिलों की बातें, अल इल्म नुक्ततुन वकत्तरहुल जाहिलून, इल्म एक नुक्ता है जिसको जाहिलों ने फैला दिया। और फरमाया यानी इल्म ज़बानों का नाम नहीं है, अंग्रेजी फारसी और जो है वो जर्मन और फ्रेंच और जो है तेलुगु और हिंदी और उर्दू का नाम इल्म नहीं है। इल्म ज़बानों की मोहताज नहीं है। इल्म तो वो इंकशाफ हकीकत का नाम है, वो राज का नाम है। इल्म ताकत है, इल्म तवानाई है, इल्म तस्खीर कायनात का हुनर है, इल्म तानाए असबाब इलल है। इल्म वो हकीकत है कि जिससे कायनात के राज मुंकशिफ होते हैं, जहां पत्तों के खवास जाने जाते हैं, जहां मिट्टी के खवास जाने जाते हैं, जहां पौधों की हकीकत देखी जाती है, जहां गुलों गुलाब की हकीकत समझी जाती है, जहां चमन में गुलों के खवास और उनके पत्तों पे रिसर्च की जाती है कि इसके खवास क्या है, इसकी हकीकत क्या है, तो इसका नाम है। यानी इल्म के जरिए से पहाड़ों का सीना शर्त किया, सहराओं को के दिलों को छीना जाता है और दरियाओं का गरेबान चाक किया जाता है, समंदरों का सीना चाक किया जाता है। इनके जरिए से पहाड़ों को काट के राह बनाई जाती है, इनके जरिए से हैवानों को राम किया जाता है, इनके जरिए से राकेट पे बैठ के फजा की वसतों को मजबूत किया जाता है, इनके जरिए से हवाओं की हकीकत मालूम की जाती है, फजाओं की हकीकत जानी जाती है, दरिया की हकीकत जानी जाती है, इनके जरिए से राज हयात समझा जाता है, इनके जरिए से कायनात के राज को मुंकशिफ किया जाता है, इनके जरिए से हक का बोल बाला होता है, कुफ्र का मुंह काला होता है। इल्म अनबुश्तर सुलेमानी
इल्म इंदीले मेहराबे आदमियत है, इल्म इस्मत है, इल्म तहारत है, इल्म शराफत है, इल्म पाकीजगी है, इल्म से अदालत है, इल्म से इंसाफ है, इल्म से शराफत है, इल्म से बुजुर्गवारी है, इल्म से बिकार है, इल्म से शऊर आदमियत है। इल्म कहते हैं कि इल्म गुरूर शऊर आदमियत है, इल्म कंदील मेहराब इंसानियत है, इल्म जो है वो फातह हयात है, फातह मौत अजल है, तानाए रुमूज है, हर्फ लामका है, राज हकीकत है। तो इल्म से किनारा कशी कैसे इख्तियार की जा सकती है? फख्र जो होता है वो इल्म पर होता है, इल्म ही वो हकीकत है अज़ीज़ाने गिरामी जो आदम अलैहिस्सलाम को दी गई तो नबी बन गए, और यानी आदम इल्म की वजह से और इबलीस जहल की वजह से, जहल ने इबलीस को शैतान बना दिया, इल्म ने आदम को नबी बना दिया। यानी तागूत की जागीर जहालत है और इमामत की चादरे तथीर इल्म है, इल्म इमामत की चादरे तथीर है और जहालत तागूत की चादर, तागूतियत बनती है जहालत और इमामत की तामीर होती है, इस्मत की तामीर होती है इल्म, इल्म के पानी से सींचा जाता है, इल्म नबुव्वत के शजर में डाला जाता है, इल्म रिसालत के शजर में डाला जाता है, इल्म तक्वे के शजर में डाला जाता है, इल्म इस्लाम के शजर में डाला जाता है, इल्म ईमान के शजर में डाला जाता है, इल्म इज्जत के शजर में डाला जाता है, इल्म हिकमत के शजर में डाला जाता है। इल्म हर चीज के लिए जरूरी है, बगैर इल्म के ना अदालत हो सकती है, ना फैसला हो सकता है, ना कजावत हो सकती। इल्म किसी की जागीर नहीं, इल्म सिर्फ मदरसों में नहीं मिलता, इल्म सिर्फ यूनिवर्सिटियों में। जब यूनिवर्सिटियां नहीं बनी थी तो क्या इल्म नहीं था? इल्म वालों ने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी वालों ने इल्म को इजाद नहीं किया। मदरसों की जरूरत उस वक्त पड़ी जब सुकरात के अतराफ में लोग जमा होने लगे, अफलातून ने पहली अकेडमी खोली, जब लोगों को कदर मालूम हुई उनकी। लेकिन उसके बाद जब कदरदान बढ़े तो चूरन की तरह बेचना शुरू कर दिया, वरना हिम्मत बेची नहीं जाती थी, जरूर देख के दी जाती थी। हर किसी को हकीम हिम्मत नहीं सिखाया करता था, वरना ये हिम्मत लेकर कोई जहर न देते थे, डरा जाता था, जर देख के तबीब बनाया जाता था। आजकल पैसे की जेब देख के तबीब बनाया जाता है, इसलिए इतने लोग मर रहे हैं कि हॉस्पिटल कसाब खाना बन गया। इसकी मिसाल मैं आपके सामने कि जहाँ चीरा जाता है, जहाँ कसाब जो है वो चीरते हैं, वो इलाज जो है आदमी को देख के नहीं करते, उसके पैसे को देख के। अगर हयात की कदर है तो फेंक दीजिए पैसा, इनके ऊपर फेंक दीजिए, इसलिए कि हयात कीमती है, पैसा कीमती है। सलावत पढ़े हो, पैसों के न होने की वजह से महरूम इल्म हो जाता है। कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए कितनी बड़ी आफत की बात है कि जो कौमों को आगे बढ़ाने का जज्बा रखते हैं, जो हयात का जज्बा रखते हैं, जो इल्म का जज्बा रखते हैं, उनको हम महरूम कर दें, और जो लोग बेचने के लिए खरीद रहे हैं उनको तो दे दें जो जाके बेचेंगे। अब जो ये 1 करोड़ रुपया डाल के कोई डॉक्टर बन रहा है वो तो क्या करेगा? पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा निकालेंगे क्या नहीं निकालेंगे?
जो पैसे डाल रहे हैं वो पैसा निकालेंगे, और एक करोड़ डाल रहे हैं तो उन्हें 10 करोड़ तो निकालना ही, और अगर 1 करोड़ की 1 करोड़ भी निकाल लें तो बगैर एक हमारे एक दोस्त के मैंने कहा कि आप जो है वो काउंसलर क्यों नहीं बन जाते, उन्होंने कहा कि भाई काउंसलर बनने के लिए कम से कम 25 लाख रुपए तो डालना है, यानी मेहनत की पसीने की कमाई को डाले, यानी हक हलाल की कमाई डालकर उसी 25 लाख को बातिल तरीके से निकाल, वही 25 लाख बातिल तरीके से निकाल। तो पैसे की कीमत जब बातिल पे खत्म हो जाता है उसकी अहमियत खत्म हो जाती है, हलाल की अहमियत होती है, हराम की अहमियत होती है। पैसा अगर हलाल का है तो उसकी अहमियत है, अगर वो हराम में तब्दील हो जाए तो उसकी कोई फायदा नहीं। लेकिन आजकल लोगों को लोग पैसे में तोड़ रहे हैं, दौलत में तोड़ रहे हैं, उसके इल्म की वजह से उसकी कदर नहीं हो रही है, उसके पैसे की वजह से उसकी कदर हो रही है, दौलत की वजह से उसकी कदर हो रही है। और ये दौलत वाले मक्कार क्या कह रहे हैं मालूम आपको, ये कह रहे हैं قال اوتيته على علم عندي, कह रहे कि ये जो कुछ भी मुझे मिला है दौलत तो सर्वोच्च इख्तदार मुझे मिला है, जो पैसा मुझे मिला है वो मेरे इल्म की वजह से मिला है, यानी जो मैं पैसा कमा रहा हूं मेरे अपने इल्म की बुनियाद पे। ये कौन कह रहा है, कुरान मजीद किसकी जबान से कह रहा है, हारून की जबान से कुरान कह रहा है, सूरह कसस उठा के हारून कह रहा है। बहुत तवज्जो की बात है, बहुत अहम बात है, ये पूरे कसस का ये सफा बहुत कीमती है कि जहां हारून ये कह रहा है आला उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, यानी जो कुछ भी पैसा मुझे मिला है, जो सर्वत मुझे मिली है वो मेरे इल्म की वजह से मिली है, यानी मैंने इल्म को बेचा है जिसके जरिए से मुझे ये दौलत मिली है, मेरे इल्म की कमाई है, मेरे इल्म के कदरदानों ने मुझसे गुर सीखे हैं पैसा दे दे। तो लिहाजा हारून जनाब मूसा के कैंप में, हारून जनाब मूसा के साथ, जनाब मूसा के साथियों में थे, उनके असहाब में गिना जाता था, और उनके वसीले से इल्म हासिल कर लिया, और जब इल्म अल्लाह ने उसे अता कर दिया तो उस इल्म के जरिए से उसने इतना पैसा कमाया कि पता नहीं स्कूल खोल के कमाया, मदरसा खोल के कमाया, कि हॉस्पिटल खोल के कमाया, कि दुकान खोल के कमाया, या खड़े रह के इस तरह से बेचा, क्या किया नहीं मालूम है, वो तो तारीफ इतना कह रहा है, उती तो हुआ ला इल्म निंदी, यानी जो कुछ भी मैंने ये काम कमाया है ये मेरे इल्म की बुनियाद पर है। अब अगर कोई इससे कहे कि पैसा दो तो कहा मैं तो अपनी सलाहियत से हासिल किया हूं, क्यों दो तुम्हें, मैंने कमाया है तुम भी कमाओ, तुम्हारे पास इल्म है तो तुम भी कमाओ, जबकि इल्म अल्लाह सुभानहु व तआला हो सकता है कि इल्म दे मगर दौलत ना दे, जरूरी नहीं है कि जिसको भी इल्म दे उसके पास दौलत भी हो, अच्छा ये भी नहीं है कि जिसको दौलत दे उसको इल्म भी दे। कितने दौलतमंद लोग ऐसे हैं कि जिनके पास इल्म नहीं है, जाहिलों के पास इल्म है दौलत है अगर इल्म नहीं है, फिरौन के पास दौलत थी फिरौन के पास इल्म नहीं, नमरूद के पास दौलत थी इल्म नहीं थी, बादशाहों के पास दौलत सर्वत होती है इल्म नहीं होता, शद्दाद के पास दौलत है इल्म नहीं है, लेकिन कारून के पास इल्म की बुनियाद पर दौलत हासिल हुई, लेकिन हारून के जो अंजाम हुआ है वो कुरान मजीद में पढ़ने का इख्तियार है कि जो अच्छा कुरान मजीद कह रहा है, ये जो उसका दावा था उती तो वाला इल्म निंदी, कुरान मजीद ने कहा कि नहीं ये तो इल्म जो है फितना है, अवलम यालम अन्नल्लाह कद खलका मिन कब्ल ही अल-कुरून, कितनी नस्लों को अल्लाह ने तबाह कर दिया, तुम्हें इस बात का इल्म नहीं है कि कितने दौलत वाले कितने सर्वत वाले थे जिसे अल्लाह ने खत्म कर दिया, उनका नाम और निशान मिटा दिया, खुजान अमवाल वक्त खत्म हो गया इंशाल्लाह,
ये हदीस जो है वो कर रही है इंशाल्लाह, ये मैं आपके सामने कर पेश करूँ कि खुज़ान अम्वाल हलक वल उलमा बाकून मा बकियत तहर। अमीरुल मोमिनीन का कलिमात के साथ में जनाब कुमैल का हाथ पकड़ कर जो उन्होंने, लोग कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन कुएं में जाके चीख रही थी, कुएं से मुराद कुआं नहीं है, कुमैल खुद कुआं थी। अकलमंद आदमी कुएं में जाके नहीं पुकारेगा बल्कि ऐसे दिलों को ढूंढेगा जो कुएं की तरह इल्म उतर जाए। कुमैल नहीं थे, कुआं थे, उसे लेके अमीरुल मोमिनीन सहरा में चले जाते थे, वहां जाके उस कुएं में पुकार। तो बहरहाल अमीरुल मोमिनीन ने जो कुछ इरशाद फरमाया कि अहले माल हलाक हो जाए और इनकी दौलत को देखकर लोग जो मुतासिर हो जाते हैं दौलत वालों की दौलत को देख और ये समझते हैं कि ये दौलत इल्म की वजह से हासिल हुई तो वो भी इल्म हासिल करने लगते हैं, वो भी इल्म हासिल करते हैं, उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों इल्म हासिल कर रहे हो, क्या उनको देख के कि उनके पास जो इल्म आया है दौलत आई है इल्म की वजह से हम भी वैसी ही दौलत हासिल करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह कह रहा है ये फितना है, खुद इल्म भी फितना है, खुद इल्म भी फितना है, यानी इल्म भी जो अल्लाह ने दिया है मालूम को वो अल्लाह कहता है ये हमने आजमाइश के लिए दिया है। इसी सूरह में आप पढ़ लीजिए, मैं पूरी आयतें नहीं पढ़ूंगा, कि अल्लाह सुभान व तआला कह रहा है कि जो इल्म मैंने कारून को दिया है वो खुद एक फितना है, इल्म खुद एक फितना है, यानी इल्म खुद एक आजमाइश है कि वो इल्म को रखते हुए क्या करना चाह रहा है, इल्म का सौदा करना चाह रहा है या इल्म को मुस्तहिकों में तकसीम करना चाहता है। और उस इल्म से फख्र मवाहात करने के लिए काम कर रहा है, तो उसने जो दौलत हासिल की थी उस दौलत को जेवरात में तब्दील करके इस तरह का शाहाना लिबास पहनकर, उस जमाने के जो घोड़े गाड़ियां, आज जैसा मर्सिडीज है गाड़ी, उस जमाने में घोड़े भी होते थे, कोई दुबला पतला गरीब है तो वो अपने वैसा घोड़ा रखा हुआ है, गधा रखा हुआ है, खच्चर में सवारी कर रहा है, कोई जो है नजीब उत तरफ है घोड़े की सवारी कर रहा है, जो जितना मालदार है, देखिए मालदार उस जमाने में भी थे, उस जमाने में भी पैसे वालों का अपना ठाट पाट था। बहरहाल तो अब कुरान की ये आयत ये पढ़ना भी यहां जरूरी है, फखरजा अला कौमिहि फी ज़ीनतिहि। अब हारून निकला अपनी कौम के सामने रो दबदबा जताने के लिए, फखरजा अला कौमिहि फी ज़ीनतिहि अपनी जीनत के साथ, यानी अपने घोड़े गाड़ी जो भी उस जमाने में था वो लिबास शहाना वो सब कुछ उसके साथ जब निकला। अब देखिए थोड़ी अजीब बात है, नफ्सियाती बात है, अब जो हारून आया तो قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليتنا لنا ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم। तो जो लोग हयात दुनिया के तलबगार हैं, قال الذين يريدون الحياة الدنيا, अब वो लोग इसको देख के قارون को देख कर कहने लगे, वो लोग जिनके दिल में हयात दुनिया की तमन्ना थी वो लोग कहने लगे, कालन लदीना युरीदून अल हयात दुनिया, क्या कहने लगे, या लैत लना मा उतिया कारूना, कि काश हमारे पास भी वो कुछ होता जो कुछ तूने हारून को अता किया है, या लैत लना मा उतिया कारूना, काश हमें भी वो कुछ मिल जाता जो अल्लाह ने कारून को दिया है। पैसे वालों को देख के लोग यही तो कहते, ऐसी गाड़ी हमारे पास नहीं होता, ऐसा बंगला हमारे पास नहीं होता, ऐसी दौलत हमारे पास नहीं होती, ऐसा जो है, अब जरूरी नहीं है कि उन जिनके पास वो है वो उसको इस्तेमाल भी करने का अल्लाह उन्हें मौका देगा कि नहीं देगा, पैसा रहता है गरीबों की जिंदगी गुजारते हैं, तिजोरियों में बंद करके उसकी पूजा करते हैं, खर्चे में आता ही नहीं है। लोग ये बात मेरी कभी समझ में नहीं आई, खर्चा करने वाले तो इसराफ कर रहे हैं और जो दीमक को चटा रहे हैं तिजोरियों के अंदर वो कौन सा इसराफ कर रहा है, वो इसराफ नहीं है, वो चीज जो जेब में सड़ रही है वो इसराफ नहीं है। अब
आपने खबर पढ़ी होगी कि एक साहब जो है संतों पे पैसा रखते थे, 5 लाख रुपए जमा हो गए और जब खोल के संतों देखा तो उसे दीमक चाट चुकी थी। इस्तेमाल के लिए है या पूजा के लिए? बहरहाल लोग उसे खुदा समझ के तिजोरियों में रख के उसकी पूजा करते हैं और पुजारियों के लोग कदर करते हैं कि कितना बड़ा पुजारी है, कि खर्चा ही नहीं कर रहा है। वकीलों की लोग बड़ी इज्जत करते हैं। पहला अजीजा ने ग्रामीण पुराने मजीद कहना कालल लदीना बुरीतून हयात दुनिया, देखिए हमारे हमारी गुफ्तगू से मरबूत है, वो लोग के जो हयात दुनिया के तलबगार हैं, कालल लदीना युरीदून हयात दुनिया, जो हयात दुनिया के तलबगार हैं वो लोग कहेंगे या लैता लना मा उतिया कारूना, के परवरदिगार काश हमारे पास भी वो सब कुछ होता जो तूने कारून को अता किया है। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, ये तो बड़े हिस्से का मालिक है। अब उसके बाद की आयतें हैं, आप वो जाके पढ़ो, क्योंकि वो तफ़सीली आयत है जहां पुराने मजीद कह रहा है पुराने मजीद कह रहा है कि फिर हमने क्या किया मालूम है कारून के साथ, उसको उसकी दौलत के साथ फंसा दिया। पुराने मजीद कह रहा है कि हमने कारून को उसकी दौलत के साथ फंसा दिया, तो अब जो लोग कैफियत को देख रहे थे हारून की दौलत के साथ डूबता हुआ मंजर देखने लगे तो कहा डर गए, घबरा के पीछे हट गए, परवरदिगार अच्छा हुआ कि तूने हमें इसके जैसा नहीं किया। वहां पर ख्याल आया इन लोगों कि जो हशर हारून का हुआ है अच्छा हुआ कि तूने हमें वो दौलत नहीं दी जो हमें फंसा दी। ये दौलत नहीं है बल्कि चांदी की खबर है, सोने की खबर है, जिसमें इंसान दफन है, उन ख्वाहिशात का असीर है, वो ख्वाहिशें उन्हें लेके डूब जाएंगे। दुनिया में जो कुछ हासिल किया है वो खर्च करने के लिए, ले जाने के लिए कोई चीज ना हुनर ले जाना है ना फन ले जाना है, कोई चीज ले जाने की चीज नहीं है। और जितने यही तो फर्क है सीधाने ग्रामी दौलत में और इल्म में, ये दौलत खर्च कर देने से घट जाती है, इल्म खर्च करने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है हुजूर ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि मैं शजात का शहर हूं अली उसके दरवाजा, मैं अमानत का शहर हूं अली उसका दरवाजा है, मैं दियानत का शहर हूं अली उसका दरवाजा है, मैं अदालत का शहर हूं अली उसका दरवाजा है, मैं अमानत और दियानत का शहर हूं अली नहीं, बल्कि कहा मैं इल्म का शहर हूं अली उसका दरवाजा। इसलिए कि जहां इल्म होता है वहां शराफत होती है, वहां अदालत होती है, वहां इंसाफ होता है, वहां तहारत होती है, वहां सखावत होती है, वहां शजाअत होती है। तो इल्म हर चीज के लिए, तो कहा कि यहां आओ शहर में तुम्हें जो कुछ चाहिए मिलेगा मगर वसीला अली, वसीला अली। जो कोई भी हुजूर से इक्तसाब इल्म करना चाहता है वो अली के दरबार में जाए, रास्ता यही है। दीवारें कूद के आने वाले जो चीज लेते हैं वो चोरी का माल कहलाता है, उन्हें वो बचता नहीं है, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो उनके फायदे का नहीं होता। इसीलिए कहा कि तुम अल इल्म ज़ल्लतुल मोमिन, ये मोमिन का खोया हुआ सरमाया है, अगर काफिर के पास भी देखो तो उससे छीन लो, इसलिए कि उसको वो इल्म उसे फायदा नहीं पहुंचाएगा। इसलिए कहते हैं चराग तले अंधेरा, चराग दूसरों को रोशनी देता है उसके नीचे खुद अंधेरा होता है, वो अपने साये में आने वालों को रोशनी नहीं देता, इसलिए कि ये महदूद इल्म की कैफियत होती है, यहाँ सर्फ कम है लेकिन सूरज के यहाँ ऐसी बात नहीं है, जिसका सर बड़ा है उसके साये में आने वालों को रोशनी से हिला देता है सूरज। लेकिन चराग जो है वो कम लुत्फी करता है, वो बेचना चाह रहा है,
अपना नूर बेचना, इसलिए बेचने वाले खुद उससे फायदा नहीं उठाते, वो बेचकर खुद उनको फायदा नहीं होता, वो खुद उनको रोशनी नहीं मिलती, वो दूसरों को रोशनी बांटते हैं लेकिन खुद महरूम में रोशनी हो जाती। तो लिहाजा पिता ने करा लिया। हयात ढूंढ रही है अली का दरबार, हयात ढूंढ रही है अली का दरबार। हयात का मफहूम इनके दर पर आके समझो समझाता है और ये हयात की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं। लोग इस मसले को समझ नहीं रहे थे, आज भी करबला से वाबस्ता लोग ये समझ रहे हैं कि हम करबला से वाबस्ता हो गए। नहीं, इमाम हुसैन के साथ रहने वाले भी हो सकता है कि इमाम हुसैन के साथ ना हो, साथ रहने वाले भी हो सकता है कि साथ ना हो। लेकिन उनके साथ रहने वाले तो ऐसे भी थे कि जो किराएदार किराए के ऊँट लेकर आए थे, किराए के घोड़े लेकर आए थे, वो तो साथ साथ चल रहे थे, वो तो पैसे के लिए आए थे कि करबला पहुंच गए, सवारियां पहुंच गई, ऊँट पहुंच गए, घोड़े पहुंच गए, वो अपना पैसा लेके वापस चले जा रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हुसैन के साथ करबला आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो करबला नहीं आए, कुछ ऐसे हैं जो करबला आए लेकिन आने के बावजूद भी वो महरूम रह गए, वो अपना किराया लेके चले गए। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि जो इमाम हुसैन के साथ नहीं आए थे या लश्कर कुफर में थे, लश्कर जुल्म में थे, लेकिन उनकी आंखों पर कफाल के पर्दे पर गफलत के पर्दे पड़े हुए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे, वो हक की तलाश में थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। यही मसला है जिला निगरानी कि अब अगर कोई ऐसा है कि जिसे समझ में नहीं, अल्लाह उस पर लुत्फ करेगा, जो जिसकी तलाश में है उसको वो चीज मिल जाए, जो जिसकी तलाश में है। और किसकी तलाश में था, और किसकी तलाश में था, और तब की तलाश में था, और मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भुरने शहे मजलूम का रास्ता नहीं रोका, भटका हुआ राही था पता पूछ रहा था, वो हक को जानना चाह रहा था, लेकिन देखिए वो अपने पेशे से वफादारी कर रहा था, उसको जो चीज सुपुर्द की गई थी वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा था, उसने अपने पेशे के साथ खयानत नहीं की। उस जंगल में उससे बड़ा कोई नहीं था, वो इतना बड़ा सिपह सालार था। करबला में जो सिपह सालार थे उनमें कहा जाता है कि हमारे साथ के बाद अगर किसी सिपह सालार का नाम लिया जा सकता था तो वो हुर का नाम था। हुर एक बड़ा सिपह सालार था, लेकिन उसके अंदर ये शराफत थी कि वो अपने पेशे से वफादारी कर रहा था और उसे जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जिम्मेदारी को निभा रहा था, वो जिम्मेदारी को निभा रहा था। उसने कहा मुझे दस्तूर मिला है कि आपको मैं यहाँ रोक लूँ, आपको आगे बढ़ने में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर मैं कहाँ जाऊँ, तो कहा जब तक के मुझे दूसरा हुक्म नहीं आ जाता मैं आपके रास्ते से हट नहीं सकता। इमाम हुसैन ने कहा या मुझे कूफे जाने दे या मुझे आगे बढ़ने दे, तकलीफ तो वाजे हो जाए, लेकिन हुर किसी चीज के लिए मानने के लिए तैयार नहीं था। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहां अपनी जलालत दिखाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जब तुम लहजे को देखा तो हुर ने कहा मैं भी यही अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि आपकी माँ फातिमा है। इमाम हुसैन ने कहा हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे तो हमारे लिए तकलीफ रोशन क्यों नहीं करता, हमें आगे बढ़ने क्यों नहीं देता। तब हुर ने यह जवाब दिया था यही एहतराम फातिमा जहरा था जो नजात का सबब बन गया। तो लोग पूछते हैं कि मोहब्बत में क्या असर है, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि इंसान गुनहगार है लेकिन मोहब्बत अगर वाकई मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, तो एक ना एक दिन वो रास्ते में जरूर आएगा। अगर मोहब्बत सच्ची है तो एक ना एक दिन गुनाह से तौबा जरूर करेगा। ये फातिमा जहरा की मोहब्बत का असर था कि हुर की तौबा कबूल हो गई। शबे आशूर हुर आप पर पातिल के दरमियान पहल रहा था और जब दिन आया सुबह आशूर आई आपने
शायद वो मंजर नहीं देखा कि जब ईरान इराक की जंग चल रही थी तो उस वक्त कितने ऐसे इराकी थे जो पशेमान हो गए। आए तो थे इराकी लश्कर के साथ लेकिन उन्हें कई पछाड़े हुए और ख्वाब में आइम्मा अलैहिस्सलाम ने उनको इशारे किए कि तुम इस लश्कर में मत रहो, चले जाओ। तो वो बॉर्डर पे आने के बाद हथियार फेंक देते हैं, हाथों को उठाते हैं। उन लोगों की जो कैफियत होती है कि ये जबान होती है लश्कर की कि अगर वो तलवार के साथ आए घोड़ा दौड़ाते तो मालूम होता है हमले के लिए आ रहा है, लेकिन अगर तलवार को ध्यान में रखते हाथों को बंद करे या पसे पुश्त हाथों को बांध ले तो ये कैफियत होती है कि हम जंग से दस्तबरदार हो चुके हैं और हम इस लश्कर में रहने से पशेमान हैं। हम आपके पास आ रहे हैं बहैसियत मेहमान आ रहे हैं, हम सर झुका के आ रहे हैं। तो उनके अंदर इतनी सकत नहीं थी कि सर उठा के आ शर्मिंदगी के एहसास से पिसा जा रहा था और कैसे आया आखिर में जब हुर पहुंच गया अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ वो जब पहुंचा है इमाम हुसैन के पास तो इमाम हुसैन ने सर को झुका कर देखिए पशेमान कौन होता है, उसके सामने गुरूर नहीं किया जाता जब आदमी पशेमान हो के आए। तो इमाम हुसैन ने कहा हुर खेमे में कुछ नहीं है जो तेरी तवाज़ो कर सके, हम खुद तुझसे शर्मिंदा है। और शर्मिंदा है कि पानी बंद कर दिया गया, लेकिन इमाम हुसैन कहते हैं तुम नहीं हम शर्मिंदा है कि हम तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सके। और ने सरोसीना पी लिया, हार मैंने किस पर पानी बंद किया, ये इतने सखीब ने सखीब करीब इतने करीब है कि यहाँ ऐसा है कि जब दादे तहसीन मिलती है एहसान की दाद मिलती है तो शर्मा जाते हैं और मेहमान के सामने पशेमानी का इजहार। यही वजह है कि जब हुर ने आवाज दी तो हुसैन खुद पहुंचे हैं और हुर के सर को जमीन से उठाकर अपने आगोश में रखा है। मैं कहूंगा आका हुसैन जब आप घोड़े से जमीन पर आए तो कौन होगा जो आपका सर अपनी आंखों मुसलमानों की दुनिया से जाते हैं।